देश ने कई जंगें देखी हैं और हमारे सैनिक बिना जान की परवाह किए इन जंगों में बहादुरी से लड़े हैं। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं मेजर वीरेंद्र कुमार से, जिन्होंने पाकिस्तान चाइना के खिलाफ बड़ी बहादुरी से लड़ाई लड़ी। वीर चक्र से अलंकृत मेजर वीरेंद्र कुमार की कहानी सुनिए उन्हीं की जुबानी। 1971 में मैं मेजर था और जिस तरह से हमारी भारतीय सेना बांग्लादेश में मुक्ति वाहिनी की मदद कर रही थी जी। हमें लग रहा था कि गिने चुने दिनों में कभी ना कभी पाकिस्तान रिएक्ट करेगा और युद्ध इज अराउंड द कॉर्नर, दिनों की घंटों की बात है। तो मैं ग्वालियर में मध्य प्रदेश में पोस्टेड था, स्टाफ ड्यूटी पर था। मैंने वॉलंटियर किया अपनी बटालियन में वापस जाने के लिए, क्योंकि मेरी बटालियन डीपली ज़बरदस्त तौर पर युद्ध में शामिल थी जी। पर समहाउ कई बार आप जो चाहते हैं वो नहीं होता, पर उसके बहुत नज़दीक कुछ हो जाता है। तो मुझे पल्टन में तो वापस पोस्टिंग नहीं मिली, पर मुझे छम सेक्टर में 8th बटालियन जे एन के मिलिशिया हुआ करता था तब पोस्ट कर दिया, क्योंकि छम सेक्टर एक काफ़ी हॉट सेक्टर था। तो मैं जे एन के मिलिशिया में आ गया। पल्टन में आने के साथ ही हमारे मूवमेंट वॉर के शुरू हो गए थे और पाकिस्तान अपनी बांग्लादेश की डिफीट को हजम ना करते हुए चाहता था कोई एक रिएक्टरी बहुत रिएक्शन तगड़ा किया जाए, और जिस तरह उसको बांग्लादेश खोना नज़र आ रहा था हाथ से निकल जाएगा, उन्होंने अखनूर के एरिया में छम सेक्टर में एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त प्लान्ड आर्मर्ड को आर्टिलरी एयर सब कुछ यूज़ करके 3 दिसंबर को एक बड़ा हमला किया। उनका मकसद था कि पुंछ से अगर रजौरी और पुंछ का इलाका काट दिया जाए तो जितना बांग्लादेश को खोएंगे शायद इतना ही इलाका वो यहाँ गेन कर लेंगे। इस तरह का शायद ख्वाब याहिया खान देख रहे थे। तो मैसिव अटैक हुआ जिसकी कि हमें उम्मीद तो थी, पर इतना मैसिव अटैक इतनी जल्दी कर पाएंगे शायद थोड़ा बहुत उसमें कसर रही। तो कितने चैलेंजेस वहाँ पर आपको फेस करने पड़े उस समय? युद्ध इटसेल्फ एक चैलेंज होता है पूजा, और जब कहते को सर उखली में दो तो फिर चोटों को नहीं गिना जाता। हमारा वाटर पॉइंट पाकिस्तान ने पहले ही रात को कब्जे में ले लिया था, हमारे पास पानी नहीं था। मैं खुद तकरीबन कुछ 2 पैक के बराबर पानी, मेरे जवान भी सिर्फ इतना ही पानी अफोर्ड कर पाते थे दिन भर। मेरे जवानों ने पत्ते चबाए हैं मुंह गीला रखने के लिए, मैंने भी उनके साथ ऐसा ही किया है। एमुनिशन हमारे पास काफ़ी था, उसकी कमी नहीं आई। मेरी जो पिकेट थी ललियाली पिकेट जहाँ से मैं युद्ध कर रहा था, पाकिस्तान हमला करके मेरी साइड की पिकेट से होता हुआ हमारे पीछे चला गया था। वो मेरे बाएं भी थे, दाहिने भी थे, सामने भी थे और पीछे तक आ गए थे। ऐसी हालत में जो मेरे ज़ख्मी हो गए थे उनको पिकेट से निकालने का कोई तरीका नहीं था, उनको इवैक्यूएट करने का। और मैंने ख़ुद अपने आँखों से अपने जवानों को ब्लीड होते हुए मरते देखा है। मेरा साइटेशन आपने पढ़ा। युद्ध के बाद मैंने गिनकर 87 पाकिस्तानी बॉडीज़, उनके हड्डियां ढांचे पाकिस्तान आर्मी को हैंड ओवर किए थे। तो जब युद्ध हो जाता है तो मुश्किलें नहीं गिनी जाती। युद्ध का कोई रनर अप सिट पोजीशन भी नहीं होती है, आप या विजय श्री को प्राप्त करते हैं या वीरगति को प्राप्त करते हैं, जब ये या आप विजयी होते हैं या आप नहीं होते जी। जब युद्ध होता है हम अपने मतलब कि परिवार को घर छोड़ के आते हैं, या हमारा ध्यान जो है वो देश की सेवा के लिए रहता है या देश के लिए लड़ाई में रहता है, तो क्या उस समय ऐसी सिचुएशन बनी कि आपको लगा कि अब सब खत्म हो जाएगा? नहीं पूजा, ऐसा है कि अपना परिवार होता है। मेरी वाइफ आज नहीं है, उनसे जब भी कभी इस विषय पर बात होती थी तो मैं उनको कहता था जब तक मेरी सर्विस है इस परिवार की, मेरी 2 बच्चियों की 1 बेटे की, ये जिम्मेवारी आपकी है।
मेरे पलटन में 1000 बच्चे हैं मेरे, उनकी जिम्मेवारी मेरी है, मुझे मेरी जिम्मेवारी करने दीजिए, आप अपनी जिम्मेवारी कीजिए और मेरे 1000 बच्चे कहीं ख़त्म हो जाएंगे ऐसा कभी मैं कल्पना भी नहीं कर सका। हाँ, मेरे 17 जवान शहीद हुए, कुछ को मैंने ब्लीड होते देखा, कुछ को मैंने शेल ब्लास्ट में टुकड़े टुकड़े होकर उड़ते देखा, कुछ ने गोलियां झेली और भारत माता की सेवा में वीरगति को प्राप्त हुए। तो अगर उस मंजर की बात की जाए, इस तरह का मंजर था, आपने जिस तरह से काफ़ी खूबसूरत बात कही कि परिवार में मेरे 3 बच्चे थे लेकिन वहाँ हजारों थे, हजारों की मतलब कि आपने उनकी सुरक्षा को जो है पहले महत्वता दी। मेरा परिवार वही है, फौजी का परिवार वही होता है। अगर उस समय की बात करें और आज के समय की बात करें, क्या लगता है कितना चेंज अब आया है फौज में? चेंज आया है, जहां तक इस जज्बे का सवाल है कोई चेंज नहीं है जी। योद्धा तब भी योद्धा थे, योद्धा महाभारत में भी योद्धा थे, योद्धा शिवाजी राणा प्रताप और जनरल जोरावर सिंह भी योद्धा थे, योद्धा हम भी थे। और आज जैसा ही उधमपुर का महाजन, जैसे बाना सिंह, जैसे संसार चंद, ये जम्मू के लोगों की बात बता रहा हूँ मैं, ये भी सब योद्धा हैं। चुन्नीलाल, अशोक चक्र, वीर चक्र, सेना मेडल, 3 अवार्ड से सम्मानित हैं। तो ये योद्धा जैसे तब थे। चुन्नीलाल की डेथ कैसे हुई? अपने एक बच्चे को मशीन गन के फायर के नीचे से घसीट कर निकालते वक्त, जो जख्मी था, चल नहीं पा रहा था, उसको निकाल दिया और गोलियां खुद झेल गए। तो योद्धा तब भी योद्धा थे, योद्धा आज भी योद्धा है, और जब तक भारत माँ है, जब तक हमारे सर पर तिरंगा है, जब तक ये देश एक वीरों का देश है, तब तक योद्धा योद्धा ही रहेंगे। मैं ऐसा कोई समय नहीं समझता जबकि योद्धा में कभी अंतर आएगा। हाँ, जो अंतर आया है वो शायद पब्लिक व्यू में आया है। हमने कभी पूछा नहीं कि शिवाजी ने कौन सा किला कब फतेह किया और क्यों किया, और किया या नहीं किया। जनरल जोरावर सिंह ने तिब्बत और चीन तक जाकर जेएनके का झंडा फहरा दिया। आज तक इतिहास में किसी ने पूछा नहीं कि वाकई किया कि नहीं किया। आज शायद हमारे पॉलिटिकल चरित्र इतने गिर गए हैं कि लोग पूछते हैं कि जी आपने वहां जाकर बंदे मारे या नहीं मारे, उसका कोई सबूत है आपके पास? आज लोग अपने घरों में सुरक्षित हैं, अपने घरों में आराम से बैठ सकते हैं। कहीं ना कहीं वो जो वीर जवान जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी है उन्हें भूलते गए हैं या भूलते जा रहे हैं। कैसा लगता है उस समय जब ऐसी चीज देखने को मिलती है, जिस देश के लिए हमने किया, कहीं ना कहीं उसी देश के कुछ नागरिक जो है उस चीजों को भूल रहे हैं। दुख होता है पूजा, और दुख दो कारण से होता है, इसलिए नहीं कि वो हमें भूल रहे हैं, इसलिए वो अपने देश को भूल रहे हैं, इसलिए कि वो अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं, इसलिए कि वो अपने चरित्र को भूल रहे हैं, छोटे मोटे एक पॉलिटिकल न्यूज़ बनाने के लिए, एक TRP पॉलिटिकल लेने के लिए वो भारत की जो मर्यादा है उसको भूल रहे हैं, जो सत्य की मर्यादा है उसको भूल रहे हैं, जिस जज्बे से, जिस खून से, जिस फीलिंग से एक फौजी पीछे देखे बगैर, परिवार की चिंता के बगैर जूझ जाता है जंग में एक तिरंगे के लिए जी। आज उसी पर प्रश्न जब उठाए जाते हैं तो इनकी नादानी पर दुख होता है। एक फौजी की जिंदगी हर दिन चुनौतियों भरी होती है, क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से जो युवा है जो फौज में आना चाहते हैं उन्हें किस तरह से आप उत्साहित करेंगे या किस तरह से उन्हें बताएंगे कि फौज में आने के लिए? पूजा, एक खास किस्म होती है योद्धाओं की, वीरता करने वालों की। मैं एक शब्द में ये कहूँ कि युद्ध के लिए कुछ ख़ास दिल मखसूस होते हैं। ये वो साज है, ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। युद्ध में शामिल होने वाले कुछ लोग अलग ही होते हैं, कुछ जज्बा और ही होते हैं। उनके लिए मैं नहीं होता, उनके लिए मेरा देश होता है।
उनकी छाती में खून जब निकलता है तो वो खून उनको अपना नहीं लगता, वो देश का लगता है। और जब वो प्राण नछावर करते हैं तो वो प्राण खोते नहीं हैं, नछावर करते हैं। आपने अपनी ज़िंदगी जो है वो देश सेवा में निकाल दी, उसके रिटायरमेंट के बाद आपने किस तरह से अपने दूसरे जीवन की शुरुआत की? हम ये कहेंगे कि जिस तरह से देश के लिए जाना, अलग अलग जगहों पे जाना, अब आप अपने घर पे हैं, किस तरह से अपना दिनचर्या निकाल? मैं जब रिटायर हुआ तो पेंशन्स बड़ी कम थी, मुझे पढ़ने का शौक रहा, मैंने पीजीज भी किए, डॉक्टरेट भी किया, तो मुझे एक जर्नलिज्म का शौक था ताकि एक अच्छे विचार मैं जनता तक ले जा सकूं, सो आई टुक टू जर्नलिज्म। और रिटायरमेंट के बाद मैंने जर्नलिज्म किया, और जब हम लोग रिटायर हुए थे कुछ पेंशन्स भी बड़ी कम हुआ करती थी, अभी तो कुछ कुछ बेहतरी आ गई है उसमें, पूरी तरह नहीं आई है पर फिर भी पहले से आज के हालत बेहतर है। और उस सब को देखते हुए मैंने जर्नलिज्म ज्वाइन किया, उस इनकम का भी सपोर्ट हो गया। मैंने काफ़ी समय एक अपना कर्तव्य समझकर, एक फ़र्ज़ समझकर डिवोट किया उन वीर नारियों के लिए जिनके पति वो माताएं, जिनके पुत्र वो बहनें, जिनके भाई युद्ध में 65 में, कई 71 में, उसके बाद कारगिल में वीरगति को प्राप्त हुए, उनके परिवारों की अगर मैं कुछ सेवा कर सकूं। तो कहीं ना कहीं ये जज्बा हर एक इंसान के अंदर होना चाहिए, वीर नारियों की सेवा करना, मुझे बेटे उनके परिवार से मिलना बड़ा गर्व महसूस होता है ये बताते हुए। मैं एक जवान के घर उसकी शहादत के बाद उसकी वर्दी, उसकी टोपी और उसका कुछ सामान देने गया, बड़े बूट पहनते थे उन दिनों, उनमें लोहे के कील होते थे। जैसे मैंने सीढ़ी चढ़ी, उसकी बूढ़ी माँ जिसकी आंखें चली गई भी रो रो कर, उसको मेरे पैरों की आवाज़ में कहीं अपने बेटे के पैरों कदमों की आवाज़ सुनाई दी, और वो सीढ़ियों की तरफ भागी, मीता मीता आ गया, मीता आ गया, मनमीत मीता आ गया। उसने टटोल कर मेरा मुंह देखा, बड़ी मूछें थी, मेरी मूछें देखी, मुझे गले से लगाया, मुझे प्यार किया। पूजा में अगले 20 साल उस माँ को नहीं कह पाया कि मैं मीता नहीं हूँ, हर साल दो साल में उसको जाके मिलता था, गले मिलती थी, प्यार करती थी। मैंने उसको उसके चिता तक नहीं बताया कि माँ ये दूसरा मीता है। ये जज्बा हम फौजियों का होता है, ये मोहब्बत हम फौजियों की होती है, इस प्यार से हम फौजी जीते हैं और इसी प्यार से हम नछावर हो जाते हैं देश के लिए। अपने दिन की शुरुआत जिस तरह से आपने बताया कि आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं, तो किस तरह से जज्बा आता है जल्दी उठना, क्योंकि आजकल के जो युवा हैं वो 9-10 बजे से पहले उठ ही नहीं पाते हैं, फिर भी आप में अभी तक शुरुआत से लेकर अभी तक इस तरह से आप शुरुआत करते हैं? मैं इसका श्रेय बेटे देता हूँ अपनी माता को, अपने पिता को, वो सभी सुबह उठने वाले थे, वो मुझे भी सुबह उठाते थे। तो सूर्य से पहले जागने का एक कल्चर सा मेरे परिवार में था, हम लोग 7 भाई हैं, सब फौज में हैं, 5-7 में से, और पूरा परिवार हमारा जल्दी उठता है, आज तक उठ रहे हैं। और मैं समझता हूँ सुबह उठ जाने से आप एक 2-4 घंटे की लीड ले लेते हैं बाकी संसार से, और 4 घंटे की पर डे लीड का मतलब 365 दिन में तकरीबन 4 महीने की लीड। तो आज मैं जब लगभग 80 साल का होने वाला हूँ, मैंने जीवन को 20 साल ज़्यादा जी लिया है उन लोगों के कंपैरिजन में जो देर से उठते हैं। तो जितने भी हमारे माध्यम से आपको देशवासी देख रहे हैं, क्या एक संदेश देना चाहेंगे आप? मेरा संदेश देशवासियों के लिए है, एक देश की सबसे प्रिय चीज भारत माँ है,
देश का सबसे बड़ा मान सम्मान हमारे देश का तिरंगा झंडा है। देश का सबसे बड़ा कर्तव्य, आप जिस भी फील्ड में हैं, टीचर है ईमानदारी से टीचिंग करिए, आप व्यापारी हैं ईमानदारी से व्यापार करिए, आप फौज में हैं ईमानदारी से फौज में सर्विस करिए, पुलिस में सर्विस करिए, इंजीनियर हैं साइंटिस्ट हैं डॉक्टर हैं, अगर आप देश को सर्वोपरि मानते हुए एक देश में सर्विसेज है ये सर्विस की तरफ सेवा भाव से और ईमानदारी से अपना काम करते हैं तो आप अच्छे नागरिक हैं जी। और अगर आप अच्छे नागरिक हैं तो मेरे जैसे सिपाही को आपकी रक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान करने का गर्व महसूस होगा। पर अगर आप अच्छे नागरिक नहीं हैं, रिश्वत लेते हैं, चोरी करते हैं, पॉलिटिकल गंदे गंदे बयान देते हैं, तो देश के लिए प्राण तो मैं फिर भी नौछावर करूंगा, पर आपके लिए वो करने के लिए शायद मेरे दिल में आए कि क्या मैं इन लोगों के लिए प्राण दे रहा हूँ जो कल के पूछेंगे कि भी तो युद्ध में गया था कि नहीं गया था। नौजवानों को मैं ये कहना चाहूँगा कि ये देश बच्चों आपके हाथ में है, आपने इसको बढ़ाना है, आपने इसको विश्व में नंबर एक सबसे आगे अग्रणी देश बनाना है, विश्व गुरु बनाना है, और ये आप तभी कर सकते हैं जब आप मेहनत करें ईमानदारी करें। अगर आप स्टूडेंट हैं जी तोड़ कर दिल लगा कर पढ़ें, अगर आप स्पोर्ट्स फील्ड में हैं भूल जाएं सब कुछ, फिर आपने अपना एशियन का और ओलंपिक्स का एम बनाया है तो पसीने की चिंता मत करें। और अगर मेरी तरह तगड़ा दिल और फौज में आते हैं तो ये खून इसी माटी से बना है, इस रग रग में जो बूंद बूंद खून है वो मेरे देश की सब्जी मेरे देश के फलों से बना है, इसको देश में वापस दे दीजिए। वीर चक्र से अलंकृत वीरेंद्र कुमार को यंग बाइट्स का शत शत नमन।